एट्थ क्लास प्रश्नावली 12.1 चल रही थी, तो कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैडम सेवन क्वेश्चन नहीं हो रहा है हमसे, तो मैं सही देखो सातवा सवाल करा रही हूँ, सरल कीजिए। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये लिखा है मैंने सातवा सवाल, 25 गुणा टी की घात -4 बट्टे 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8। तो अब हमें पता है हम इसमें कौन से घातांक का नियम लगाएंगे, एम की घात ए की घात -m, तो इसे हम 1/m लिखते हैं, ए की घात m ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर माइनस में है तो 1/m चले जाएगा, या 1/m की घात -m है तो ये ए की घात m इस रूप में बदल जाता है। तो आपको जहाँ पे माइनस वाले लग रहे हैं वो आप नीचे ले आओ, और जो नीचे अपॉन में है माइनस वाले उनको ऊपर ले जाइए। अब जैसे ये लिखा हुआ है 25 गुणा टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8। अब देखो टी की घात -8 और यहाँ पे टी की घात -4, तो ये जो -8 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो 25 क्या होता है, 5 गुणे 5 टी की घात -4, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये नीचे वाला टी की घात -8 ऊपर जाके 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 की घात -3 गुणा 10 इतना बचा, तो 5 से तो एक ही कट गया, 5 दूनी 10 कट गया एक। अब इसके बाद देखो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी, 5 गुणे टी की घात 8, एक जैसी घातें होती तो वो जुड़ जाती है, 8 प्लस माइनस का 4, और नीचे क्या बचा, 5 की घात -3। अब 5 की घात -3 को भी अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 की घात -3 को ले गए तो हम 3 हो जाएगा ऊपर जाके, ये वाला देखो, और यहाँ हो जाएगा टी की घात 8 में से 4 गए, माइनस का चिन्ह लगाओ यहाँ पे 4, तो और बट्टे में यहाँ कितना है, 2 भी तो है, 2 ये वाला 2 बट्टे 2 इसको भी लिखेंगे। तो 5 की घात यहाँ कितनी है, 1 कुछ नहीं, यानी 1 प्लस 3, और यहाँ हो जाएगी टी की घात 4 और बट्टे 2, तो 5 की घात कितनी हो गई, 4 टी की घात 4 बट्टे 2, ये इसका आंसर है। अब चाहे तो आप इसको यहाँ पे 5 की घात 4 को खोल सकते हो, कैसे, 5 बार गुणा कर दो, 25 5 गुणा 5 25 25 पंजे 125 125 पंजे होता है 625 गुणा टी की घात 4 बट्टे 2, इस तरह से करना है ये सवाल। ठीक है, आगे समझ में, ऐसे करनी है ये। अच्छा, अब इसका सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला कैसे है, सेकंड है इसमें दूसरा, इसको भी सरल करना है, 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बट्टे 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। तो ये जो माइनस वाले हैं उनको ऊपर ले जाएंगे, और जो ऊपर माइनस वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे। देखो कैसे, 3 की घात -5 है, इसको अपॉन में लाएंगे हम, और ये 5 की घात -7 है तो ये ऊपर जाके +7 हो जाएगा। यहाँ देखो 6 की घात -5 6 की घात 5 गुणा 125, इसको ऐसे रहने दो, और ये दोनों माइनस वाले 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5, ये दोनों नीचे आ गए। ठीक है, अब इनको हल करेंगे। देखो 5 की घात तो 7 ऐसे ही रहने दो, 6 की घात 5 को हम 6 को लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की घात 5 ऐसे करके लिख सकते हैं, गुणा 125, 3 की घात 5, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 हो गया 10, इसकी घात 5। ये इसलिए हमने इसको अलग अलग तोड़ा है ताकि हम एक दूसरे से काट सकें, इसलिए हमने इनको अलग अलग किया है। अब इसके बाद देखो, अगर दो संख्याओं की a गुणा b की घात अगर एक जैसी होती है तो हम इसको a की घात n गुणा b की घात n ऐसे करके लिख सकते हैं, ये घातांक का नियम है। तो 5 की घात 7 तो ऐसी रहा,
ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, 125 के गुणनखंड कर लो यहाँ पर, कितनी बार जाएंगे 125, 5 से ले जाओ, 10 और 25, फिर 5 से, यानी कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 5 की घात 3, ये बराबर होता है 125। इन सबको अलग अलग कर दो, 3 की घात 5, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, आ गया ये सब। अब देखो कौन सा कट रहा है, 3 की घात 5 और 3 की घात 5 पूरा पूरा कट जा रहा है, ऐसे ही 2 की घात 5 और 2 की घात 5 कट जा रहा है, ठीक है। अब ये 5 की घात 7 और 5 की घात 3, यह गुणे वाली संख्याएं क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं, और नीचे 5 की घात 5 ये बचा, ये हो गया 5 की घात 10 और 5 की घात 5। अभी अगर हम इसको ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो 10 माइनस 5, तो कितना आंसर आया हमारा, 5 की घात 5। चाहे तो तुम इन सबकी गुणा कर लो, ये भी आंसर लिख सकते हो 5 बार गुणा करके, ठीक है, या इतना ही आंसर सही है। तो ये दो अभ्यास पूरी हो गई, ऐसे करने ये सवाल।